नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। मैं रेणु चतुर्वेदी, आज हम आपको बताएंगे कि जून में जन्म जातक कैसे होते हैं। ठीक है, जून में जिन बच्चों का जन्म होता है, आप उनको एनालिसिस करेंगे। ये जातक बहुत अधिक सच्चे सीधे होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं, लेकिन ब्रेन से बहुत तेज होते हैं। आईक्यू लेवल बहुत हाई होता है इन बच्चों का। इसके अलावा लेजी के मामले में इनका कोई जवाब नहीं होता है। राहु इन पर पूरी कृपा रखते हैं, तो ये बहुत ही आलसी होते हैं जून में। अधिकतर तो मजाक में घर में लोगों ने आपने सुना भी होगा, उनके मम्मी पापा जनरली कहते हैं कि तुम छुट्टी में पैदा हुए इसलिए पूरा टाइम छुट्टी करते रहते हो। ये आलसी होते हैं और अपने कार्य को डिले करने की प्रवृत्ति बहुत होती है। कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, लेकिन पढ़ाई के मामलों में, करियर के मामलों में इनकी डिले वाली प्रवृत्ति बिल्कुल नहीं होती है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत आलसी होते हैं। जैसे मैंने कहा कि इन पर राहु का पूरा प्रभाव रहता है, तो हाँ, ये जातक हर चीज़ में, यहाँ तक कि इनको कपड़े ना धोने पड़े तो वो भी चलेगा। मतलब इनको हर वो चीज़ पसंद है जो इनको काम ना करना पड़े, खासतौर से घर के मामले में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तो ये बहुत ही ज़्यादा लेजी होते हैं। करियर के मामले में, बुद्धिमानी में इनका कोई जवाब नहीं होता। व्यवहार कुशल होते हैं, बात बनाना पसंद नहीं करते, सीधा सच्चा बोलते हैं, सीधे सच्चे लोग होते हैं। जून में जन्म जातकों में आप बहुत ज़्यादा ये बात कॉमन पाएंगे कि इनमें छल, कपट, धूर्तता बिल्कुल भी नहीं होती, झूठ बोलना बिल्कुल पसंद नहीं करते। वहाँ झूठ कभी कभी, अगर बहुत इमरजेंसी हो वो अलग बात है, जब कभी फंस रहे हो तो बोलेंगे, लेकिन नॉर्मल परिस्थिति में ये झूठ बिल्कुल नहीं बोलते हैं। और अपनी बातों में बहुत साफ गोई रखते हैं, बिल्कुल क्लियर बात करते हैं। लपेट के करना, चीज़ों को बहलाना फुसलाना इनको बिल्कुल पसंद नहीं होता। इनमें एक चीज़ और कॉमन होती है, जून के जो बच्चे जन्म लेते हैं, मेल फीमेल डज नॉट मैटर, एक चीज़ आप और कॉमन देखेंगे, जो जून में बच्चे जन्म लेते हैं ये बहुत सॉफ्ट होते हैं। सॉफ्ट मीन्स कि ये इमोशनल होते हुए भी आपको इनको बहुत अधिक भावुक नहीं पाएंगे। इमोशनल है लेकिन आप इनके आंसू नहीं देखेंगे, ये बहुत जल्दी नहीं रोते हैं। ये अपने आप को अंदर से पी लेंगे उस क्रोध को, उस गुस्से को, उस जज्बातों को, लेकिन उसे जाहिर नहीं करेंगे। शायद ही कभी आपने ऐसे इन महीनों में जन्मे बच्चों को बहुत इमोशनल या बात बात पे रोने रूठने मचलने वाला देखा होगा। ये ऐसे बिल्कुल नहीं होते हैं और ये बहुत अधिक स्ट्रिक्ट प्रवृत्ति के होते हैं इन मामलों में, कि अपनी बातों को कितना शेयर करना है, कितना नाप तोल के शेयर करना है, यानी ये समझ लीजिए तराजू के पलड़े जैसे बैलेंस रखते हैं अपने जीवन में। ऐसा नहीं कि इनको किसी ने कुछ पैम्परिंग की और ये सारी बातें बोल दें, ये बहुत सोच समझ के बोलते हैं, जानते हैं क्या कहना है क्या नहीं। माता पिता के बहुत करीब होते हैं, मगर मैंने जैसा कहा ये बुद्धिजीवी होते हैं, इनका आईक्यू लेवल काफ़ी हाई होता है, तो ये भी जानते हैं कि इन्हें क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। माता पिता को लेके इनको, इनके रिश्ते वैसे ही सधे हुए होते हैं, अच्छे होते हैं। अपने माँ बाप को लेके ये बहुत अधिक जज्बाती भी होते हैं, प्रेम भी बहुत करते हैं, लेकिन हाँ, इजहार करने में उतने अधिक माहिर नहीं होते। अपने रिश्तों को, अपने प्रेम को, अपने संबंधों को इजहार करने में माहिर नहीं होते। रही बात विवाह के मामले में, रोमांटिक रिश्तों के मामलों में ये एवरेज होते हैं, क्योंकि ये अपने इमोशन को, चूँकि जाहिर नहीं करते, मैंने ऐसा पहले कहा जाहिर नहीं करते, तो ऐसे रिश्तों में वो चीज़ वो नहीं प्राप्त कर पाते हैं जो बाकी महीनों में या कई और महीनों के जन्म जातक कर सकते हैं। तो इनमें ये चीज़ थोड़ी सी, इसको नेगेटिव ही कहें, कि अपने व्यवहार को, अपने प्रेम को, अपने अंदर की फीलिंग को जाहिर नहीं कर पाते हैं। चाहते भी ये जाहिर करना, तब भी इनके पास वो शब्द नहीं होते, क्योंकि शब्द कुशल नहीं होते। ये अपना व्यवहार बनाना जानते हैं, मगर इनको शब्दों से खेलना नहीं आता, सीधी सपाट बात करनी आती है, तो इस वजह से ये इतने अधिक चालू नहीं होते कि अपने शब्दों से दूसरों को अपनी तरफ खींच सके या अट्रैक्ट कर सके। अगर इनको प्रेम होता है तो बहुत गहरा प्रेम होता है, फिर ये बहुत ही अधिक गहराई में चले जाते हैं। फिर अगर इनके साथ कभी धोखा हुआ या ब्रेकअप हुआ तो ये झेल नहीं पाते हैं, ये डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो जून में जन्मे बच्चों के लिए थोड़े माता पिता सजग रहें और कोशिश करें कि इन बच्चों को थोड़ा प्रैक्टिकली बनाएं, क्योंकि बुद्धिमान जो होता है वो अगर थोड़ा प्रैक्टिकली हो तो समाज में पूरी तरह से सर्वाइव करने में सक्षम होता है। अगले वीडियो में और महीनों के बारे में बताएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।